उपचुनाव हार जाने के बाद अब बीजेपी की निगाहें कैराना उपचुनाव पर हैं। बीजेपी किसी भी सूरत में ये उपचुनाव हारना नहीं चाहती, क्योंकि कैराना का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा की शान बन चुका है। कैराना में 33% मुस्लिम आबादी होने के साथ साथ 10% जाट और 15% दलित वोटर्स हैं। कैराना का चुनाव राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसने गोरखपुर और फूलपुर से सबक सीख लिया है और इस बार वे 28 मई को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने की पूरी कोशिश करेगी। उधर बीजेपी का कहना है कि आगामी उपचुनाव में जाटों का वोट भी पलट सकता है। पश्चिमी यूपी में जाटों ने 2014 और 2017 के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन क्षेत्र में गन्ने का भारी बकाया होने के कारण अजीत सिंह इस मुद्दे पर बीजेपी की समस्या बढ़ा सकते हैं। इसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली रैली में ही लोगों को यह भरोसा दिया है कि अगर चीनी मिलें बकाए का भुगतान नहीं कर पाती तो राज्य सरकार गन्ना किसानों के लिए पैकेज लेकर आएगी। उधर विपक्षी दल का समर्थन मिलने के बाद आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने कहा कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। ये पहली बार होगा जब जाट, मुस्लिम और दलित मिलकर हमें वोट देंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी इस चुनाव को जीत पाती है नहीं, या विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को मात दे देगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।